नमस्कार अर्गसर बी ब्रेकिंग को स्वागत कर दर्शक बंधु झरा फुल मृत्यु घटन नुआ एक तथ्य सामना को आसुची जे झरा फुल को कौटी ना कौटी हत्या करा जाय छी की बोली वर्तमान चर्चा होची कारण तार आउ जणे जे मुख्य अभियुक्त थिला ताको आज गिरफ करा जाउ छी एने के एसपी मध्ये सूचना दैछंती जे पूर्वरु दुई अभियुक्त को गिरफ करा जायतिला एवं बाकी आउ जणे अभियुक्त शेखर बोली जे कुआ जाउतिला राकेश रो सहयोगी सी आज गिरफ होउची तबे पूरा घटना कौन रही है अपडेट कौन आसुचे संपर्कित तथ्य पाई आम सीधा तक जाजपुर को जी जाजपुर आम प्रतिनिधि परमेश्वर आम सहित जोड़ी होती परमेश्वर कौन अपडेट आसुची फुल घटनार द्वितीय अभियुक्त बा जे सहयोगी थिला जे गाड़ी चलाउथुला ताको आज पुलिस धरिबारे सफल हेछि द्वितीय अभियुक्त जे रहिछन्ति जहाँ को कह जाउछि शेखर बोली कि जहाँ को कह जाउछि तांको टंको पाणी जो रोड रहिछि सेही अंचलर तांको पुलिस धरिबारे सक्षम हेछि एवं ए संपर्क रे एसपी जेतेबेले सूचना देथिले आमे मध्ये सीधा सडक एसपी को प्रतिक्रिया नपाई चेष्टा करथिल हेले एसपी वर्तमान कहिछन्ते 12:30 समय रे से संपूर्ण विवरणी संपर्क रे सूचना देबे जेहेतु आसंता काली जे रहिछि मुख्य अभियुक्त राकेश रहिछि ता पक्षरो जो जमीन आवेदन करा जीव बोली कि जा सूचना थिला 23 तारिख रे तार सुनानी हबो तो से पूर्व पुलिस जी मुख्य अभियुक्त जे सहयोगी अभियुक्त थिला शेखर को धरवाई पुलिस पाखापाखी नाकेदम हो पड़ा और आम पूर्व जनईले जे राज्य और राज्य बाहर विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ गोटे प्रकार पुलिस पक्षर जारी रही है किंतु आज हठात जेहेतु पुलिस पाखे सूचना मिलता कि शेखर जी रही शक्ति शेखर जो स्वाई जी रही भुवनेश्वर जो भुवनेश्वर अंचल सूचना मिलता कमिशनरेट पुलिस और जाजपुर पुलिस मिलित भाव में जो रही टंकपाणी रोड रही अंचल चढ़ाऊ कर चढ़ाऊ पर गिरफ कर सब बड़ घटना हूँ जिते मुख्य अभियुक्त प्रथम रु 27 तारीख घटना घटला पर मुख्य अभियुक्त को जिते पुलिस गिरफ कर सक्षम होता एयरफिल्ड थाना रे राकेश जिते आत्मसमर्पण कर पुलिस सब बड़ चिंतार था जो अभियुक्त को आज धरी शेखर शक्ति शेखर स्वाई जी रही तो सेबे पुलिस गोटे प्रकार भाव में छानबीन जारी रखी शक्ति को खोजा नाकेदम हवाक पड़ा पुलिस को नाकेदम हवाक पड़ा पुलिस को हेले परिशेष आज धरवे सक्षम हो घटना पचर जो रही जो ये जो झराफुल मृत्यु रहस्य जो ट्राजेडी रही किपर मृत्यु मृत्यु ना हत्या ता गुमर खोल कह कारण जी थी अन्य जी रही शेखर आ राकेश को जी परमेश्वर वर्तमान सस्पेंस लगी रही झराफुल मृत्यु कि ताकू हत्या करा जाय छी कि ये प्रश्न मध्य वर्तमान सस्पेंस घेर रे रही छी किंतु जत बळे 12:30 समय रे जत बळे जाजपुर एसपी जत बळे प्रेस ब्रीफ करबे सत बळे सब घटना रो सत सामना को आसीबो परवर्ती समय रे आपन पख फेरबे किंतु वर्तमान संतोष आमसित जोडी होचंती संतोष जो कथा परमेश्वर सूचना दउथिले जे टंकपाणी रोड स्थित कोनोसी स्थान रो शेखर को गिरफ करा जाय छी शेखर केउठी थिला एते दिन धरी से भुवनेश्वर रे जदी रहुथिला काहे कि कमिश्नरेट पुलिस ता पाखरे पहुंच पारनथिला देखो निश्चित भाव चिन्मयी आपंक गोटे गुरुत्वपूर्ण सूचना देवाई चाहिए जे जाजपुर पुलिस प्रेस मीट करने पूर्व जाजपुर पुलिस सूत्र एक गोटे सूचना मिली जे गत कालीठ जो शक्ति शेखर स्वाई को गिरफ्त कराइला एवं ता पूर्व तार सहयोगी एवं मुख्य अभियुक्त पक्षर जी तथ्य प्रमाण मिली हुए तो जाजपुर पुलिस आउ किसी समय पर झराफुल मृत्यु घटना को हत्या घटना बोली पूरा स्पष्ट भाव में प्रमाण देवा वर्तमान समय जहाँ प्राथमिक सूचना मिली झराफुल घटना हत्या घटना बोली वर्तमान समय आउ किसी समय पर सूचना मिली बोली आशा रखा एवं निजे एसपी सहित मु वार्तालाप फोन रे करछि जोठी एसपी सूचना दउछन्ति जे आउ किसी समय पर प्रेस मीट करिबे एवं पाणिकोइली थाना रे प्रेस मीट करा जिवो ता सहित गत कालीठु शक्ति शेखर स्वाई को जेतेबेले गिरफ करा गला बहुत समय धरी एयरफिल्ड थाना रे ताकु अटक रखाइतला अनेक गुडिये कथा ताठु आदाय कराइछि काहेकि ना आपण जानिछन्ति जे होटल रूम ता सहित जोठी सब ता मृतदेह को फोपाड़ी दिया गला या भितरे होटल रूम एवं बाट मझिरे अनेक घटना सस्पेंस भितरे थिला जो सस्पेंस को नै गोटे मन भितर गोटे प्रश्न उठी मारा जो मुख्य अभियुक्त जेहेतु सब कथ कौनी हे तो सहयोगी मान को धरा गले से सत कथ कह बर्तमान आशा रखा जो सहयोगी मान पाखे पुलिस पहुंची जाजपुर
आम आलोचना कलु से प्रतिक्रिया रखुले जहां स्पष्टीकरण दौले आ किसी समय पर से पूरा प्रेस बृत्ति मध्यम समस्त जराफुल मृत्यु घटना पूरा सस्पेन्स हटेबे और घटना गोटे हत्या आड़क जाता पुलिस विशेष सूत्र वर्तमान समय सूचना मिली आउ कि समय पर एक कथार पूरा पर्दाफाश हे और शक्ति शेखर स्वाई किसी दिन धरी बाहर को पलैता और लगातार भाव में एयरफिल्ड थाना गोटे स्क्वाड जो मैंने जाजपुर पुलिस जो मान दायित्व देता हुए तो विषय किसी लोकाल खबर और गुंदा विभाग खबर अनुसार से बाहर को जापर बाहर एवं गांव को आसवा कथा सूचना मिलूला और सांगसाथी सहित बुलाबूली खबर शक्ति शेखर स्वाई संपर्क में मिलता जो जाजपुर पुलिस आसी छापा मारी गिरफ कर गत काली बहुत समय पर्यंत से थाना डिटेन करनेक कथा पचराउचरा करू नि आ कि समय पर सबू घटार सत ओगा शक्ति शेखर स्वाई पुलिस सामने और ओगा सारी कि शक्ति शेखर स्वाई आसी सारा हुए तो आज प्रेस मिट हो सारे अधिक किसी तथ्य आई तीन जन जाक जन को पुणी थे रिमांड अणा और समस्त कथा को समस्त कथा सहित मेल खाऊ कि नहीं एक जांच कहीं शक्ति शेखर स्वाई वर्तमान जत शेखर को गिरफ्त करी पुलिस कौटि ना कौटि पुणी किसी सत सामना को आसो बोले समस्त आशा कितु या भितर अनेक प्रश्न उंकी मारूँ जिते बड़े झरा फुलर मृतदेह को पुलिस नेला जबत कला व्यवच्छेद करागला से व्यवच्छेद रिपोर्ट रो कौन एमती आसला जिते बड़े पुलिस जापारा निजे हत्या करते दिन बीतीगला बर्तमान जिते बड़े शेखर को गिरफ्त करते कथा सामना को आसूँ झरा फुल को हत्या कर देखो निश्चित भाव चिन्मयी आप जानते पुलिस इन्वेस्टिगेशन रे पोस्टमार्टम रो रिपोर्ट गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका एवं पुलिस दुईट आशंकर थिला हुए तो विषक्रिया खाद्य विषक्रिया जनित मृत्यु होता पारे ना कि गला दबई थ अर्थात श्वासरुद्ध अवस्था मृत्यु होता पारे कि दुईट प्रमाण कौन प्रकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट रु पुलिस को स्पष्ट हो पार ना डाक्तर ठीक भाव में जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसी पुलिस गोटे शेष निष्पत्ति पहुंची पार ना एसपी कहते केवल अपेक्षा थी अभियुक्त मानकर जो प्रतिक्रिया रही प्रतिक्रिया को मिसेले अर्थात किए सत कौची किए मिछ कौची होटेल रूम भितर राकेश कौन घटेला एवं बाहर को जीवार जो माने सहयोग कले जो माने होटेल ठीक कले से प्रकृत में कौन जानी थे प्रकृत में यह कि योजना थिला ना हठात यह किसी घटना घटला सब घटना पर्दाफाश हम आ किसी समय पर जाजपुर पुलिस प्रेसमिट मध्यम सब कथ को सामना को आण शक्ति शेखर स्वाई संपर्क में जहां बर्तमान समय सूचना मिलू स्थानीय पुलिस सहित आम आलोचना करूँ स्थानीय पुलिस ही जाजपुर पुलिस को खबर देखा गुंदा विभाग मध्यम जे से बाहर को किसी दिन फरार होने संपर्क घर रही बेले पुणी थे आसी सांगसाथी सहित मिलामिशा करने सहित मौज मजलिस हुए तो से जाणी ना पुलिस पाखे पहुंचब पुलिस गिरफ्त कर सी जो अंधार में बुलूला दिना दिने आज घटना आलु हम बोली तार विश्वास ना कि जाजपुर पुलिस एयरफिल्ड पुलिस थाना गुंदा विभाग जो मैंने अच्छा से पूरा डाटा नौते से कौटी अच्छी संपर्कों घर जिते दिन पर्यंत केवे आसला और ये केत दिन बुलाबूली कर जनक सहित जाऊवा समय ही धरा पड़ी वर्तमान समय सूचना मिलू से जनक सहित घटना सहित किसी संपर्क नहीं पुलिस छाड़ी ये सांग शेखर स्वाई अनेक गुड़े सत कथा वर्तमान पुलिस सामने सामना को आनी जो जो कथा हुए तो आज झराफुल मृत्यु घटना सब घटना को प्रश्न हो उंकी मारूची जदि हत्या करा जो भली जो कारण कहा जाऊँगी कारण जिते बड़े राकेश एवं झराफुल ये दु जनकर जो प्रेम संपर्क कथा कहला जो सीसीटीवी फुटेज गुड़िक मिली सीसीटीवी फुटेज रे से किभली होटेल को जाते दुईज सांग जदि राकेश सेठे खाई सहयोग कर सहित जाता झराफुल ये सब घटना सामना को आसला झराफुल होटेल रूम को राकेश सहित तापरे हत्या हटात तापरे झराफुल मृतदेह मिलवा ये निहाती भाव में मनरे प्रश्न सृष्टि करुच्ची कौन घटला जे सकाळु राति पर्यंत दुई जनों का भितरे जोथि पाई के ताकु हत्या करागला देखो ये सब घटना पुलिस तीन जन ये सब घटना आदाय कर सारी कहीं आप जानते राकेश तार सहयोगी आज पुणी थे शेखर स्वाई और ये शक्ति शेखर स्वाई पाखे पुलिस अटकी यहीपाई जे ये ही अनेक गुड़िया घटना जाता दुईट अभियुक्त जिते गिरफ्त कर पुलिस पाखु जी तथ्य मिलता से तथ्य आधार में झराफुल मृत्यु मिस्ट्री को मर्डर मिस्ट्री को सामना को आई पुलिस सक्षम हो ना बर्तमान समय जेहेतु एसपी गोटे प्रतिक्रिया रखुच्च हत्या घटना होता है
ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେନି କି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକଥା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କଲେ ହୁଏତ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଶା ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ଏ ଘଟଣାଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବୋଲି ହୁଏତ ପୋଲିସ ଏକଥା କହିପାରେ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ତିନି ଜଣଙ୍କଠୁ ମିଳିଛି ସେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଘଟଣାଟି ପଛରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଥାଇପାରେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ଯେ ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତା ପ୍ରେମିକ ରାକେଶ ଝରାଫୁଲକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇଲା ନାହିଁ ଫେରି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସନ୍ତୋଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ହତ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ କିଭଳି ଭାବରେ ସାହସ କଲେ ଏକରେ ତ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସ୍କୁଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲେ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସ କେମିତି କରିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୂଳାପାଳ ପାଖାପାଖି 90 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ହେବ ଏବଂ ଏହି ଦୂରତାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ ଝରାଫୁଲକୁ ବସେଇକି ଆଣିଥିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ଓଗାଳିବେ ବୋଲିକି ଯାହା ଆମେ ଆଶା ରଖିଛେ କାରଣ ଏତେ ରାସ୍ତା କିପରି ଭାବରେ ସେ ଆଣିଲା ନା ଆ ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୂଳାପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝରାଫୁଲର ମୃତଦେହକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ରାକେଶ ରହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଖୁଦ୍ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସ୍କୁଟିଟିକୁ ଚଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନାକେଦମ ହେଇଥିଲା କିପରି ଭାବରେ ଶେଖରକୁ ଗିରଫ କରିବ ଏବଂ ଶେଖରକୁ ଧରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶେଖର ମିଳିସାରିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି ତାହା ହତ୍ୟା ନା ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଝରାଫୁଲର ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇପାରିନଥିଲା ଯେ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଭିସେରା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନଥିଲା ଏଥିପାଇଁ କି 120 ଦିନ ଅବଧି ଯୋଉ ଥିଲା କୋର୍ଟ ପାଖରେ କାରଣ ରାକେଶ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାମିନ ଆବେଦନ ପାଇଁ କରାଯାଇନଥିଲା ତେଣୁ କରିକି ଯୋଉ ଆସନ୍ତାକାଲି 23 ତାରିଖ ରହିଛି ଏଇ 23 ତାରିଖରେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାକେଶର ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରିବା କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି ବା ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟର ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ହୁଏତ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ ଘଟଣା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ତେଣୁ କରିକି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଶେଖର ଶକ୍ତି ଶେଖରକୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିସାରିଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗର କାରଣ ହେଇପାରିବ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ବନ୍ଦ କମରା ଓୟୋ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଶେଖର ତାକୁ କହିଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ରାକେଶ ଆଉ ଶେଖର ଭିତରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ସାମିଲ ଅଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ଆଜିର ଏସ୍ପିଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ରହିବ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା ଏବଂ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍ କରିବେ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ତାକୁ ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କାହିଁକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ କେବଳ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ନା ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏ ସବୁ କଥା ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତେବେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସନ୍ତୋଷ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ରାକେଶ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା ବାସ୍ତବିକ ପୋଲିସ କ'ଣ ରାକେଶ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁରାଗ ପାଇନଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଯେ ରାକେଶ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନା ରଖିଛି ନା ପୋଲିସକୁ କୌଣସି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ନା ପୋଲିସ ରାକେଶଠୁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଛି ନା ପୋଲିସ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଘଟଣା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇପାରିଲା ଏବଂ କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାକେଶ ପୁରା ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ପାଲଟିଛି ଏବଂ ରାକେଶ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଲୁଚେଇବା ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଯେହେତୁ ରାକେଶ ମୁହଁ ଖୋଲୁନି ରାକେଶ କଥାକୁ ବାଟବଣା କରୁଛି ରାକେଶ କଥାକୁ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ହିଁ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନା
को आसो बोली पुलिस अपेक्षा था गोटे पटे जड़े सहयोगी को गिरफ्त करने सी जहाँ तथ्य प्रमाण देता पुलिस से तथ्य प्रमाण आधार में ये घटना को स्पष्टीकरण और घटनाकर शेष जाए पहुँचवा पुलिस पाखे संभवपर रही ना एवं पुलिस शक्ति शेखर स्वाई पचर पड़ा जो शक्ति शेखर स्वाई बाहर था और तार संपर्क घर पर घर बदलाउला अर्थात किसी दिन से सांगसाथी सहित बीतई किसी दिन बाहर रोकवा संपर्क सहित बीतई पुणी थे झराफुल हत्या झराफुल मृत्यु घटना काले लिभि जा पुलिस ए घटना को गुरुतर सहकारे नहीं नथिबो शक्ति शेखर स्वाई पुलिस कानर रे नथिबो एक शक्ति शेखर भाविथिला हुए तो से बुझी नथिला जे गोइंदा विभाग जो माने जाजपुर पुलिस रो अछंती एवं जो स्थानीय थाना रे अछंती ता अंचल रो थाना रो अधिकारी माने अछंती से माने ता उपरे पूरा भल भाबरे नजर रखुथिले एवं से जेतेबेले सांग साथी को सहित बुलाबुली कला खटी रे बसिया आरंभ कला एवं ता उपरे बाइक जोगे गोटे स्थान रु आउ गोटे स्थान जिबा समय रे पुलिस ताकु धरला अर्थात जो कथा कुआ जाउथला जे शक्ति शेखर स्वाई आसिले ही ये सब घटना सामना को आसिबो गोटे पटे राकेश घटना को भिन्न मोड़ दबा पई चेष्टा करछि पुलिस विसरा रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं जो सीसीटीवी विजुअल अयो रूम रो मालिक रो प्रतिक्रिया एवं जो घटनास्थल रे मृतदेह को फिंगी देले सेठी स्थानीय लोकों को प्रतिक्रिया ये सब प्रतिक्रिया द्वारा पुलिस तदंतर शीर्ष स्थान रे पहुंच पारि नथिला एवं अपेक्षा करथिला जे सहयोगी मानन को ही गिरफ करा गले ये सब घटना सामना को आसिबो एवं एकथा रे पूरा स्पष्टीकरण आसिबो जे प्रकृत रे से रूम भितरे एमिति कोन घटिला एवं रूम भितरु आसिबा पर झराफुल ऑलरेडी मरि सारिथिला ना बाहर आसिबा पर मरिला ना रूम भितरे किछि कारण घटला जोति पाई कि ता मृतदेह को सीधा सेउटु बही कि स्कूटरे नेले ना बाटरे जो मेडिकल जिबा कथा कहुथले से कथार कोन सत्यता आछि ना बाटरे मेडिकल जिबा भितरे किछि घटना घटिछि ना बाटरे किछि बचसा हाइछि जोति पाई कि एबळी घटना घटिछि ये सब सूचना वर्तमान समय रे जाजपुर पुलिस पाइ सारिछि आ किछि समय रे अपेक्षा पर जाजपुर पुलिस जतेबळे प्रेस मीट करिवो जतेबळे शक्ति शेखर स्वाई तार सहयोगी तार राकेश ई समानकर सेमानकर प्रतिक्रिया को आधार करी जो प्रमाण दवा को पुलिस चेष्टा करिवो हुए तो एक कथार सत्यता आसिबो सेतेबळे जे झराफुल मृत्यु रहस्य घटना रे कोन घटना घटीतला प्रकृत रे ओयरूम भितरे घटना घटीछि ना बाहर घटीछि या भितरे राकेश तार सहयोगी मानकर केते मात्रा रे संपृक्त अछि जदि ताकु हत्या कराइछि ताले राकेश ता सहयोगी मानकर शामिल अछि जदि से मृत्यु होइछि ताले किभळी भाबरे होइछि ये सब घटना उपर पर्दा उठिबो किंतु ता परे भी आमे गोटे सूचना दवा को चाहिबु जे पुलिस रो गोटे विशेष सूत्र रु सूचना मिलुछि जे झराफुल को हत्या करा जायथवा कथा बोध हुए पुलिस प्रेस मीट माध्यम रे कहि परे चिन्मय निश्चित बाबरे संतोष किंतु वर्तमान जे ए राकेश कथा कह जाउछि एवं शेखर ए दुई जण जदि हत्या करा जाय थाए ताले ए दुई जणकर संपृक्ति रहिछि ना आउ कार मध्ये संपृक्ति रहिछि कारण जो बळ हिसाब रे से माने होटल को जिबा होटल रो बाहरिबा ये सबरो सीसीटीवी फुटेज रे ये सब चित्र आसीबा कथा किंतु ये वर्तमान सार्वजनिक होइनी बा का को जणा नाही आ सबटो गुरुत्वपूर्ण कथा आउछि जे दुई जण ताको स्कूटी रे जेतेबळे नेकी गले जाजपुर पर्यंत एते गुडिया रास्ता रे जेतेबळे ट्रैफिक व्यवस्था रहिछि सेठी कैमरा लागिछि किंतु कोनोसी कैमरा रे कोन कैद होइछि ना नाही ये गोटे मनक मध्य प्रश्न आसुछि देखु कैमेरा प्रसंग रे चिन्मय आपन को एक प्रतिक्रिया रखा चाहिए जे ओडिशा पुलिस रो गोटे टीम आंध्र ता सहित पश्चिम बंग एवं अन्य राज्य मान को जाइथिले जो राज्य रे सीसीटीवी गोटे तेलंगाना मध्य जाइछंती एवं सीसीटीवी गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका सीसीटीवी रो गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका था इति पई जे अपराधी मानकर मूवमेंट ता सहित अपराधिक कार्यकलाप एवं किए कोठी की गला केउट आसिला कोठी अपराधिक योजना होची सीसीटीवी माध्यम रे विभिन्न ग्रुप को चिन्हट करने सहित हाई रिजोल्यूशन कैमरा रे सेमानकर फोटो मध्य कैद हुए ओडिशा पुलिस जिते बेले गोटे 500,000 सीसीटीवी सारा राज्य में लगवा पाई गोटे प्रस्ताव सरकार को दिगला बोध हुए यह प्रस्ताव टी सांक्शन हो पारा जो जो वरिष्ठ अधिकारी मैंने क्राइम रेकर्ड को उच्चता क्राइम रेकर्ड ग्राफ जिते बेलू उपरकू उठु थाए जिते बेले कमेक चेस्टा कराए से मन में सीसीटीवी गोटे बहुत बड़ प्रसंग आसे और लगातार भाव में आज जानते भुवनेश्वर रु कटक पर्यंत पूरा सीसीटीवी छाउनी एरिया अच्छे अर्थात भुवनेश्वर प्रत्येक छक सीसीटीवी थी कटक विभिन्न छक ट्राफिक छक सीसीटीवी थी पुलिस घटना जापार किंतु जदि से सीसीटीवी खराब थी अर्थात अनेक समय भुवनेश्वर में दुई चार मर्डर केस देखाई पुलिस हाथ बांधि बसी चुपचाप ये जो घटनास्थल में सीसीटीवी लगी कि सीसीटीवी खराब कौटी कौटी मेंटेनांस चल था कौटी खराब होली पुलिस पाखे खबर न था से घटना घटला पर ही पुलिस जाने जे से जगह सीसीटीवी
खराब होती से घटना को जो टेक्निकल टीम को दि जाए सीसीटीवी सजाड़ापाई जदि सीसीटीवी आधार में पुलिस तदंत करता हुए तो यह घटनार शीर्ष स्थान में पुलिस पहुंची पारि था कथ आसुच्चे ओयो रूम भितर प्रकृत में राकेश झराफुल को टेकी टेकी नहीं से चली चली निजे जाए बाटे किसी घटी ना रूम भितर कि घटी ए दुईट हूँ तदंतर मुख्य दिग एवं जदि रूम भितर किसी घटी थाए सहित राकेश एका था अर्थात राकेश कहीपारी था झराफुल सहित से दिन रात कौन घटला जो कि झराफुल मृत्युवरण कला जदि बाहर किसी घटना घटी थे ये आसुच्च दुई सहयोगी दुई सहयोगी मैंने बाहर कथपारे नदी पूर्व किसी योजना थे राकेश ये दुई सहयोगी पाखे कथ ये हूँ तदंतर भिन्न भिन्न दिग और राकेश कथ जो आसूसी राकेश आई सहयोगी जड़े सहयोगी एम पाइप कंट्राक्टर करने झराफुल गांव को जाते हैं लॉकडाउन समय या पूर्व वर्ष जिते राकेश से पाइप कम करपरभाइजर रूपे कम करूला से देखा साक्षात होता प्रेम आरंभ होता अर्थात से दुई जन जाक से जाते जड़े सहयोगी से शक्ति साई कि अन्य जन वर्तमान समय एक स्पष्ट हो पारे और शक्ति शेखर कि अन्य जन सहयोगी एक स्पष्ट हो पारे और पुलिस ये कथार स्पष्टकरण दे पारे कह जो लास्ट दिन थी अर्थात झराफुल घर कलेज जावा बाहर आसाला झराफुल एक जाता कलेज एवं खोल ना हस्टेल रहीबार ना से तार प्रेमी को देखा करना जो कि राकेश बाध्यवाधकता करें जो कि से ओय रूम रहा गोटे पटे घरे झराफुल से घर को जाते तार जे लोकाल गार्डियन अच्छी से बस चढ़े सारे से बस रु आग छक ओह्लै स्कूटी नहीं जाता राकेश ये सब घटना पचरे प्रकृत में कौन रहस्य अच्छी आ कि समय पर सामनाक आसब पुलिस कहि कि समय पर प्रेसमिट कला ही सब कथ स्पष्ट हम और जेहेतु हत्या घटना गोटे समय अपेक्षा कि समय पर जाजपुर एसपी प्रेस ब्रीफ करिबे सेतबेले सबु सत सामना को आसिबो एवं शेखर को गिरफ करबा परे कोन पुलिस हाथ में एमिति किछि प्रमाण लागिछि जोथि पई कि पुलिस सबु सत कहिबो एवं सबुटु गुरुत्वपूर्ण कथा आउछि जे झराफुलर मृत्युर कारण आउ तार मृत्युर कारण कोन होइतै पारे जदि हत्या ताले हत्या पछरे केउ माने संपृक्त किबोली हत्या करा गला ये समस्त घटनारु पर्दाफाश हेबो बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपनकर समस्त सूचना पाए एवं जाजपुर परमेश्वर बेवरी आम प्रतिनिधि मध्ये जोडी हितले परमेश्वर को मध्ये अनेक अनेक धन्यवाद समस्त छ वर्तमान रो बिग ब्रेकिंग को एठ रखछु नमस्कार।